हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के कोचिंग क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स का पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, पार्ट 4 तक अपलोड किया जा चुका है और आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 4 तक सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और बेसिक्स बिल्कुल लिए गए हैं। आज ये आखिरी पार्ट होगा बेसिक फॉर्मूला ट्रिक्स का। इसके बाद जो भी फॉर्मूले तो आएंगे नहीं है, इसके अलावा अनसॉल्वड के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आंसर में जितने मैक्सिमम पूछे गए हैं क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आप लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों के लिए वीडियोस दिए जाएंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर कर सको, है ना। तो आप लोग आंसर के ये क्वेश्चन होंगे, इसे ध्यान से देखना, लगाते रहना कंटिन्यू, क्योंकि मैथ्स में बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए, कुछ फॉर्मूले भी रह गए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी है पहला फॉर्मूला। अगला है आईडेंटिटी बोल सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी। इसके बाद में हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, उसके बाद में हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला देखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे होता है पहले टू साइन, टू से स्टार्ट होगा। देखिए सभी में टू लगना ही लगना है, ठीक है स्टूडेंट, सभी में टू लगना ही लगना होता है। इसके बाद आप लोग यहां पर यह समझ लें, देखिए सी प्लस डी बाई टू, यहां भी सी प्लस डी बाई टू, ये भी देखिए सी प्लस डी बाई टू, और ये भी हो जाता है सी प्लस डी बाई टू। आगे चलते हैं, यहां पे सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये सी माइनस डी बाई टू, और यहां पे स्टूडेंट्स केवल हो जाता है डी माइनस सी। अगर आप चाहें तो सी माइनस डी ही कर लें, हम आपको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं सी माइनस डी बाई टू। ये देखिए इतना कॉमन हो गया। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, क्या लिखा टू सब में लिख दिया, यहां सी और डी है तो सी प्लस डी बाई टू सभी में हो जाएगा, सी माइनस डी बाई टू सभी में हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद साइन का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तो पहले साइन फिर कॉस, यहां पे इनटू होता है, डॉट लगा दिया मैंने। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर ये माइनस वाला है तो माइनस होने की वजह से पहले कॉस आ जाएगा फिर साइन हो जाएगा। जब लोग बात करेंगे कॉस की, तो कॉस के फॉर्मूले मैंने बताया था कॉस ए प्लस डी वाले में कि दोनों कॉस में हो जाते हैं, तो ये दोनों हो जाते हैं कॉस में, और जब माइनस वाला आ जाता तो ये हो जाते हैं दोनों साइन में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके दो मिनट भी कह सकते हैं, ज्यादा है, 15 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर अंदर फॉर्मूले कवर हो गए, है ना। बस एक बात का ध्यान रखना है कि तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, वहां भी ये माइनस आता है, बस आप लोग इतना ध्यान रखना। आप लोग एक बार वीडियो को फिर से शुरू चलाइएगा, क्लियर हो जाएंगे वाली आइडेंटिटीज, है ना। चलिए अब इसके बाद और भी जो आइडेंटिटीज है वो हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसी के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि ये वीडियो लेंदी ना हो और ज्यादा से ज्यादा मैटर हम लोग कवर कर ले। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये क्या पढ़ना था हमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ेंगे अभी हम लोग। देखिए ये जो अभी तक वीडियोस थे ये सारे सभी के लिए इंपॉर्टेंट थे 10 से लेकर 12 तक के लिए, लेकिन अब जो ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये केवल और केवल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है, है ना। अब इसको जैसे हमने पहले पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग इसको रिलेट करके देखते हैं कि आखिरकार कैसे ये आगे बात करेगा। तो देखिए हम लोगों ने जैसे पढ़ रखा था कि साइन ए या साइन थीटा लेके चलते हैं, अगर साइन थीटा इक्वल्स होता है 1/cosec थीटा, है ना। इसके बाद में क्या पढ़ा था, cos थीटा इक्वल्स 1/sec थीटा। इसके बाद क्या पढ़ा था, tan थीटा इक्वल्स 1/cot थीटा। इतना पढ़ रखा है हम लोगों ने। अभी जब इसमें इनवर्स की बात करी जाएगी, इनवर्स की बात, तो अगर ये साइन इनवर्स थीटा होगा, या अगर आप x ले लें, जहां थीटा रहने देते हैं, अगर आप x ले लें, क्योंकि अभी जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे वहां x मिलने वाला है स्टूडेंट्स, तो यहां पे x मिलने वाला है अगर, तो इसमें क्या होता था, पूरा का पूरा ये साइन थीटा का ही कन्वर्जन हो जाता था, नीचे पहुंच जाता था। लेकिन इनवर्स वाले में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। यहां पे जो कोण या एंगल है वही केवल उल्टा होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। स्टूडेंट कंपेरिजन करेंगे आप, बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। यहां जब पहुंचे तो ये देखिए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स sec inverse 1/x। इसमें याद रखिए कि इसमें केवल जो भी एंगल होगा, जो भी कोण होगा, वही केवल उल्टा होना है बस। cos और sec में भी ऐसा हो गया, ऐसे चलेंगे tan में,
तो tan इनवर्स x, ये स्टूडेंट इनवर्स है, tan इनवर्स x इक्वल्स हो जाएगा cot इनवर्स 1 अपॉन x, है ना। इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम cos x से निकालना चाहें cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1 अपॉन x, और यहां पे हो जाएगा sec इनवर्स x बराबर, तो sec उल्टा क्या होता है cos, तो cos इनवर्स में आएगा, तो ये इसका कोण उल्टा हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल बारीकी समझते हो, चलिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है ये ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, और लास्ट क्लास भी है ये फॉर्मूला के लिए, बाकी तो और वीडियोस आएंगे अनसॉल्व से रिलेटेड, है ना। cot इनवर्स x इक्वल्स अगर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, कितना ये क्लियर हो गया आपको। अब कुछ फॉर्मूले भी हम लोगों ने पढ़ रखे थे, कौन कौन से, जैसे याद दिला दें आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो इसमें क्या हो जाता था भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाया करता था, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे। और जो जो स्टूडेंट्स अगर सीबीएसई बोर्ड के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, अब तो एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में भी चलने लगी है, तो आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा, साइन ए को ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट कराया हुआ है ना, ऐसे कन्वर्जन लोग यहाँ सीखेंगे। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे दोबारा वीडियो को चला के आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, और इसी से काफी काम होने वाला है हम लोगों के पास, है ना। इसके बाद आते हैं कुछ फॉर्मूले और कुछ फॉर्मूलाज और है, क्या जैसे साइन, जैसे हम लोग पढ़े थे जस्ट मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 होता था, है ना। आपकी बार क्या होने वाला है देखते हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स पाई बाय 2, साइन का cos के साथ, तो समझते हो tan और cot एक साथ आ जाएंगे भाई, साइन के साथ cos आ गया, tan के साथ cot आ जाएगा, तो भी इसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें स्टूडेंट्स sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की, तो ये भी हो जाएगा पाई बाय 2, ये भी थ्री आइडेंटिटीज यूज होनी है, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद में tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2 हो जाएगा, sec इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक पे कि हमें फार्मूला कैसे बनाना होगा, है ना। बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो बनाते हैं हम लोग, थोड़ी परेशानी होती है, अभी हम लोग ये सीखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को ही कैसे, साइन इनवर्स एक्स से ही हम लोग कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले बनाए और उसी से ही टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले बना लें। तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे टेंथ में अगर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो भी आप समझ लें, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये ज्यादातर बेस होते हैं राइट ट्रायंगल पर, है ना, राइट ट्रायंगल पर। ऐसा नहीं राइट ट्रायंगल के अलावा ये काम नहीं आते, बहुत सारे काम आते हैं, पहले था यूपी बोर्ड के सिलेबस में, तो सिलेबस से आउट हो गया है ये टॉपिक, है ना। तो चलिए फिलहाल हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, साइन वर्स एक्स है यहाँ पे, कोई भी एंगल हमने यहाँ पे इसको मान लिया थीटा स्टूडेंट्स, है ना, इस स्टूडेंट इसको स्टूडेंट मान लिया हमने इस एंगल को थीटा। चलिए हमने इसको बराबर लिख दिया थीटा, अब हमें मालूम है, या अगर नहीं भी मालूम हो तो आप देख लें, साइन इनवर्स इधर से हट के जब उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, नॉर्मल साइन पहुंचेगा, एक्स इक्वल्स हो जाएगा साइन थीटा, है ना स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा रखा है क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहां पे पीबीपी और एचएचबी, ये हमने पढ़ा रखा है, और फर्स्ट वीडियो मैंने इसको लर्न करने की ट्रिक भी बता रखी है, तो आप लोग संकोच मत करिए और फ्री माइंड से स्टडी करिए। आगे क्या देखिए, साइन की बात करें तो यहां पे देखिए साइन होता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, यहां पे साइन होता है, साइन इक्वल्स क्या होता है, पी अपॉन एच लिख दें या एल अपॉन के लिख दें, है ना। तो हमें काम करते हैं, यहां पे लिखे दे रहे हैं पी अपॉन एच, ठीक, पी अपॉन एच कह दो, या पी को आप ये भी मान सकते हो एल ये है, और इसको मान सकते हो के ये है, है ना। तो इसके अपॉन में हम लोग बना लेते हैं वन, स्टूडेंट्स याद रखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा, ये फॉर्मूला भी कई बार प्रूफ करने के लिए आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा अनसोल्व में देखेंगे आप, तो फॉर्मूला की प्रूविंग भी है ना। तो होगा क्या, sin इनवर्स x इक्वल्स थीटा है, sin उधर भेज देंगे sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा इक्वल्स x बच जाता है, x का अपॉन 1 कर लिया, और हमें मालूम है sin में क्या होता है l अपॉन k या p अपॉन h, मतलब l अपॉन k p अपॉन h रख दिया। और मैंने फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि जो भी एंगल लिया जाता है, एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर बोलते हैं तो ये हो जाएगा x, भाई देखिए परपेंडिकुलर या लंब,
एंड जो गिवन एंगल है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर या स्टूडेंट लंब बोलते हैं। अगर लंब बोलेंगे तब भी यही होगा, परपेंडिकुलर बोलेंगे तब भी यही होगा। ये वन क्या है भाई, कर्ण कह सकते हैं, गिव फॉर कर्ण। ये एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा होता है 90 डिग्री सामने वाली साइड, तो ये हो जाएगा वन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी राइट ट्रायंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स होता क्या है भाई, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस हिंदी में स्टूडेंट के लिए बता दें जरा, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का कर्ण क्या हो जाएगा एसी, यहां हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इक्वल्स लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स, एक्स में कौन सी साइड है भाई एबी, प्लस बेस क्या बचा बीसी आधार या बेस, एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 1 का स्क्वायर। एबी की वैल्यू अगर देखें, एबी दे रखा है स्टूडेंट्स एक्स प्लस बीसी कितना दे रखा है बीसी, तो हमें फाइंड करना है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई बीसी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो गया बीसी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो गया बीसी, तो इसमें बीसी की वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। तो बीसी की वैल्यू आ गई, बस सिंपल हो गया भाई, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा था, अब हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे कॉस थीटा की, कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है, देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कॉस यहां पे होता है टेन यहां पे होता है, कॉस अब यहां पे होता है कॉस इक्वल्स का आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण अगर कह रहे हैं हम लोग तो थीटा यहां पे आधार क्या हो जाएगा बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा एसी। अगर और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दें कॉस थीटा इक्वल्स क्या होता है, कॉस यहां पे होता है टेन यहां पे होता है, कॉस थीटा का तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस होता है कि बेस है यहां पे बीसी और हाइपोटेनस क्या है एसी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कॉस थीटा इक्वल्स बीसी कितना आया स्टूडेंट्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस की वैल्यू आ गई है 1। अब आया यहां पे कॉस थीटा इक्वल्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब हमें देखिए यहां पे थीटा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारे पास थीटा इक्वल्स का साइन इनवर्स से सबलेक्ट किया था और जिसको भी मानते उसकी वैल्यू अलग से देते हैं भाई, थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस इधर से हटके उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया देखिए कन्वर्ट हो गया बिल्कुल आराम से यहां पे हो गया। अब आ जाते हैं इधर पे कॉस की वैल्यू मिल गई, अब निकालेंगे टेन थीटा इक्वल्स, टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है लंब बटे आधार, थीटा के लिए लंब कौन सी साइड होगी ए बी, आधार कौन सी साइड हो गई भाई बीसी, है ना, तो जिसको हम और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बीसी, वो मैंने नोट कर दिया यहाँ पे, ये हो गया देखिए स्टूडेंट टेन थीटा इक्वल्स ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है भाई एक्स और बीसी आ गया देखिए कितना होगा आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से भी निकालेंगे तो इधर टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा भाई, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स था उधर जाके साइन हो गया तो वैसे टेन तो टेन उधर जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू है, तीनों ये इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर हम तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट तो साइन के फॉर्मूले को हमने कॉस में भी कन्वर्ट कर दिया और टेन में कन्वर्ट कर दिया। ओके सर कैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये फॉर आइडेंटिटी जो निकालना है फॉर्मूला निकालना बहुत जरूरी होता है, ये या तो लर्न हो तो निकालना आना चाहिए, तो ये भी तुम्हारे पास क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या मिलेगा साइन इनवर्स 5/4 मान लिया ऐसा आ गया और फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 12/5 टाइप का। अब इसकी वैल्यू पूछेगा देखिए साइन में दूसरी कॉस में तीसरी टेन में कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमारे पास बेहतरीन रास्ता ये होता है कि साइन को भी टेन में कन्वर्ट कर ले, कॉस को भी टेन में कन्वर्ट कर ले, ये टेन तो टेन में है ये मान लो,
और इसके कन्वर्जन के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मान लिया आप एग्जाम में भूल गए, नहीं याद रहा तो कैसे करेंगे, है ना, तो उसके लिए बताना जरूरी था। अब थोड़ी सी बात और बता देते हैं, साइन को हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया, अब दिखाते हैं कॉस को कन्वर्ट करके। और इसकी प्रैक्टिस जरूर स्टूडेंट कर लीजिए, कुछ कर लीजिएगा कि कुछ लड़के ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बोलते हैं भाई हमें तो आ गया तो कर ही लेंगे, लेकिन मैथ्स बता दें स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस की होती है, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्रॉब्लम ही है, आधा सवाल लगा लेंगे आप एग्जाम में, आधा भूल जाएंगे, है ना। जब आधा सवाल हो जाता है यहाँ से यहाँ तक तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको आ नहीं रहा होता, पीछे जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम टाइम वेस्ट करके वहां तक आए होते हैं, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास cos इनवर्स x हो, इसको हमें थ्योरम बदलना हो, तब क्या करेंगे, तो ये cos इनवर्स x को वैसे हम लोग थीटा मान लेंगे, cos को उधर भेज देंगे, cos इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा में आ जाए, cos इनवर्स क्या होता है, a अपॉन k या b अपॉन p, b अपॉन h, अगर रखते हैं इसको देखो जरा समझो, तो ये हो गया आधार बटे कोण, थीटा तो यहीं पे है, आधार क्या भाई, अब ये मिसिंग हो जाएगा, ये इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो देखिए x इक्वल्स है cos थीटा, अब यहां पे cos बन गया आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा इसमें स्टूडेंट, देखिए थीटा यहां पे तो आधार हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा भाई AC, ओके स्टूडेंट्स, आधार क्या हो जाएगा भाई थीटा के लिए BC और कर्ण हो जाएगा AC, आधार मतलब बेस क्या है स्टूडेंट्स, है ना, आप इंग्लिश में स्टूडेंट्स देखना चाहे तो B / H होता है, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, तो ये इसके अपॉन में 1 हमने कर दिया, x किसकी वैल्यू हो गई BC, अब ये यहां पे आ जाएगी, AC क्या दे रखा है 1, AC यहां रख दिया, फिर से पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर AC की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, AB अगर आएगा तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस BC स्क्वायर की बात करें, अगर BC स्क्वायर की बात करें हम लोग यहां से तो BC हमारे पास दे रखा है x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स AB स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया तो 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा AB स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा तो 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा AB, है ना स्टूडेंट्स, तो अब की बार इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस x स्क्वायर की, फिर से कन्वर्जन चालू कर दे तो cos आ गया, sin पे पहुंचे, sin थीटा इक्वल्स क्या होता है, sin थीटा इक्वल्स लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, अगर थीटा के लिए हम लोग परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या हो जाएगा AB, लंब कह दें परपेंडिकुलर कह दें, कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या हो जाएगा भाई AC, तो sin थीटा बराबर AB का मान दे रखा है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और AC दे रखा है 1, तो इसका मतलब तो नथिंग है भाई, sin थीटा अपॉन में 1 को होने कोई मतलब ही नहीं है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन इधर से ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये उधर चला गया, इसको देखिए थीटा में कॉस इनवर्स एक्स था, थीटा में आ गया साइन इनवर्स एक्स, अब आ गया टेन इनवर्स की, तो देखिए टेन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या दे रखा है ए बी और बेस दे रखा है बी सी, ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हो जाएगा tan थीटा ए बी दे रखा है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और बी सी दे रखा है x, थीटा को निकालेंगे तो tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इतना बन गया भाई। अब देखिए थीटा का मान ये भी, थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा इसके भी इक्वल है, थीटा इसके भी इक्वल, इसलिए हम लोग इन तीनों को इक्वल कर देते हैं, और तीनों को इक्वल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, तीनों को इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा यहां से cos इनवर्स x, cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा यहां पे, थीटा इक्वल sin इनवर्स था तो sin इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहां पे थीटा की भी वैल्यू है कि हो जाएगी tan इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को भी कन्वर्ट करना बता दिया, कॉस इनवर्स एक्स को भी कन्वर्ट करना बता दी, स्टूडेंट्स याद रखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत यूज होने वाला है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए अब थोड़ी सी हेल्प हम आपकी किए दे रहे हैं टैन इनवर्स में, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो ही जा रही है लेकिन थोड़ी सी हेल्प किए दे रहे हैं, बाकी आप लोग उसका कर लीजिएगा आसानी से आ जाएगा। अगर हम लोग टैन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना हो तो टैन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लेट कर लिया, टैन को उधर भेज देंगे एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा टैन थीटा। अब देखिएगा जरा सा इसमें
लिखा जा सकता है एक्स को टेन में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो लंब बटे आधार लिख दिया। थीटा के लिए, थीटा की बात करें तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे हो जाएगा एक्स, और आधार मतलब बेस की बात करें यहां पे आ जाएगा वन, यहां वन लिया जा सकता है। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू अगर निकालना चाहें ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर, ए बी की बात करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी सी का मतलब हो जाएगा वन के स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा वन के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन के स्क्वायर वन, जिसको लिखा जा सकता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपके बाहर क्या आ गया है हाइपोटेनस वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट पे, है ना स्टूडेंट्स। अब बस जैसे मैंने पहले वैल्यू के रिलेशन निकाला, संबंध निकाला, आप लोग वैसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ अलग दूसरे फॉर्मूलाज की तरफ, क्योंकि अब वो भी फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जैसे इसके पहले जैसे कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे कुछ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, टेन ए प्लस टेन बी, हम आपको कन्वर्ट करने का थोड़ा सा तरीका बता दे रहे हैं, बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जाएंगे सीखते जाएंगे आप लोग, है ना। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होता था, इसी में आप इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आएगा, जो याद करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। जब यहाँ पे tan inverse x plus tan inverse y अलग अलग हो जाएगा इस पे, तो यहाँ क्या था पहले tan a plus tan b था, वैसे ही यहाँ पे tan inverse अलग हो जाएगा और x plus y हो जाएगा। देखिए यहाँ पहले दोनों को ऐड किया गया था, यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर 1 था 1 लगा दिया, माइनस tan a जो tan मतलब जो भी ऊपर लिखा होता था उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते थे, x और y को मल्टीप्लाई करा देंगे कि हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इसमें बात करी जाए, मान लो माइनस का फॉर्मूला होता, माइनस की आइडेंटिटी होती, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ प्लस हो जाता, तो अगर यहाँ माइनस हो जाता है स्टूडेंट्स तो फिर से वही काम हो जाएगा, क्या यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इतना आसान सा है, और भी आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं इसमें, बड़े आसानी से बन जाएंगे। जैसा आप लिख देना चाहे यहाँ पे टू टेन इनवर्स, टेन टू थीटा का था, टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था अपने पास भाई, टेन टू थीटा में फॉर्मूला था टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ही था। अगर हम साइन टू ए की बात करें, साइन टू थीटा की इसको बोल सकते हैं, साइन टू थीटा क्या था टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बात करें कॉस टू थीटा की, तो कॉस टू थीटा था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर स्टूडेंट्स मैंने नहीं बताया तो आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिए जो टेन होता है, टेन में यहाँ नीचे माइनस होता है, टेन और साइन के फॉर्मूले लगभग एक जैसे होते हैं, टेन टू थीटा इक्वल्स टू टेन अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, साइन टू थीटा इक्वल्स टू टेन माइनस की जगह प्लस हो जाता है, कॉस इन दोनों के बीच में आता है, साइन कॉस टेन इन दोनों के बीच में आता है, तो ये करता क्या है माइनस ले लेता है टेन वाले से, उसके बाद प्लस वाले लेता है, इससे कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाता है और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाता है। अब अगर इसी को आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए एक दूसरे में तो वो भी कन्वर्जन बिल्कुल आसान होता है, कैसे, यहाँ टेन टू थीटा तो वहां मिलेगा आपको टू टेन इनवर्स एक्स, जैसे आ जाता है टू टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, टू टेन इनवर्स एक्स है ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और क्या होता है, देखिए टू टेन थीटा होता था ना, तो टू हमें पता है कि जो भी लिखना होता है वो बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स, है ना, वो बाहर आ जाता है और बाकी जो इसमें थीटा होते हैं एक्स होते हैं वो सब पहुंचते हैं आगे। तो क्या था स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे साइन वाले पे टू टेन थीटा था, तो टेन थीटा वाले केवल एक्स ले लेंगे अपॉन, यहाँ क्या था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस तो लगेगा लेकिन टेन स्क्वायर नहीं रखेंगे और इसका एंगल लेंगे, क्या लेंगे एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इसी को हमें देखना पड़े कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉस में क्या होता था वन माइनस टेन स्क्वायर, तो वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और टेन स्क्वायर की बात कर रहे हैं अगर, तो टेन में केवल थीटा लेंगे तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए काफी आसानी से ये फॉर्मूले दूसरे में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, है ना, तो हमें ज्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। और भी जो फॉर्मूले बहुत सारे हैं वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लीजिएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे वो, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी और बहुत सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज बच गई हैं जो हमें बतानी है,
तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे ही जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अनसॉल्व के, उसी के साथ में और आइडेंटिटीज का एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, इस समय हम लोग और ज्यादा बेसिक पे नहीं जा सकते ना। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि अभी 6 से 7 वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको हर बार कोई ना कोई नई चीज मिलेगी, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए भाई, है ना। जिससे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ही बगल में देखिए बेल आइकन होता है, बेल आइकन को जरूर दबा दें, उसमें बेल आइकन में पर्सनलाइज्ड वगैरह और करके काफी कुछ ऑप्शन होते हैं, तो ऑल पे आप टिक कर दें जिससे कि जितने वीडियो अपलोड हो आपको सही समय से मिल जाए और आप लोग कोई वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें क्योंकि सभी लोग उसका फायदा ले सके, है ना। मिलते रहिए, जुड़े रहिए, और इसका फिजिक्स के वीडियो अपलोड हुए हैं, फिजिक्स के क्लास 12th में वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करता रहिए, बोर्ड एग्जाम का ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।